हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, वीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ द सिस्टम, सेक्शन 26, इन कॉल ऑफ द नेचुरल राइट इन द मेजर ऑफ द पर्सन। जिस भी व्यक्ति की मेजर एज 21 वर्ष से अधिक है, मेल फीमेल की 18 वर्ष से अधिक है, नेचुरल राइट उसे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, संविधान में आपके दी गई है कि वह शादी कर सकता है। उसके संबंध में आप किसी भी व्यक्ति को शादी करने से रोकने या रोकने की बाध्यता का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। रेस्ट्रेंट ऑफ द एग्रीमेंट, आप ये ध्यान दे दीजिएगा, रेस्ट्रेंट ऑफ एग्रीमेंट इन द इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज इन द मेजर ऑफ द पर्सन। कोई भी मेजर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी अदर कम्युनिटी अदर कास्ट में भी जाकर के वह शादी कर सकता है। बट रेस्ट्रेंट ऑफ द पोजीशन इन द माइनर, अगर वह एज उसकी माइनर है, 21 ईयर से एज कम है, तो वह शादी विवाह नहीं कर सकता। या इसके अंतर्गत दी गई है अदर देन माइनर इज मैरिज इज बैड, या माइनर यदि शादी करता है यह पूरी तरह से व्यर्थ मानी जाएगी। नेक्स्ट है नेचुरल राइट और फ्रीडम ऑफ द पर्सन। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि विवाह कर सकता है। नेक्स्ट है मैरिज क्लास कम्युनिटी एंड कास्ट चेंज। वो धर्म दूसरे धर्म में भी जाके विवाह कर सकता है, कम्युनिटी को चेंज कर सकता है, कास्ट को भी चेंज कर सकता है। सेम ग्रुप ऑफ द सिटीज एंड सम रीजनल ऑफ द एरिया एंड द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी द क्लियर अंडर स्टूड। रेस्ट्रेंट ऑफ द रीमैरिज, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है तो वह एक से अधिक विवाह टोटल वैध मानी जाएगी। हिंदू एक्ट एंड क्रिश्चियन एक्ट टू टोटल सो ऑफ द कंडीशन इन द मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ एंड क्रिश्चियंस एक से अधिक विवाह उनके लिए टोटल क्या है, वैध मानी जाती है। बट मुस्लिम लॉ टोटल सो ऑफ द फोर मैरिज, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आप चार विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ देखिएगा, डूइंग मैरिज मे नॉट ट्रीट रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज। सिंपल एक्ट सिंपल मैरी पार्टिकुलर पर्सन डज नॉट इंपुटी रेस्ट्रेंट इन द मैरिज। सिंपल प्रोमाइजी पार्टिकुलर डज नॉट इंप्लाई रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज। नेक्स्ट एग्रीमेंट इन ऑफ द माइनर इज वैलिड नॉट वैड, अगर कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए माइनर एज पे किया जाता है तो वैलिड नहीं होगी, वह टोटल वैड माना जाएगा। एंड स्टेट रिलेशन बिटवीन मेंटेन अलाउंस, ध्यान दीजिए, एंड एग्रीमेंट एक्सक्यूज टाइम मैरिज बाय हस्बैंड प्रोवाइड द न्यू इवेंट स्ट्रेंथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम शादी विवाह में होती है तो इसके लिए मेंटेनेंस अलाउ हो सकता है इन बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू ही दी जा सकती है। और जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड मैरिज में अगर आप करते हैं तो ये टोटल वैड माना जाता है। अगर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ही आप वन टू अदर्स एक से अधिक विवाह आप कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज इन द मेजर मेजर एज का कोई भी व्यक्ति विवाह करने के लिए नेचुरल राइट से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसके संबंध में आपने 1872 सेक्शन 26 की पूरी वीडियो आपने स्टार्टिंग टू एंड देखी, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वीकॉम लर्निंग को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।